मोदी सरकार अगले साल के 15 अगस्त तक 50 लाख सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करके उन्हें बड़ा तोहफा देने वाली है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी काफी समय से अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। बताया जा रहा है आगामी 15 अगस्त के दिन लाल किले पर भाषण के दौरान पीएम मोदी इस बात की घोषणा कर सकते हैं। वहीं अब सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि तब उनके हाथ सैलरी बढ़कर आएगी। सबसे बड़ी बात है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर तरह की रणनीति अपनाकर वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहती है। अगर कहा जाए तो बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाकर चुनाव जीतने की फिराक में लगी है। लेकिन गौर करने वाली बात तो है कि क्या अगला लोकसभा चुनाव जीतकर पीएम मोदी अपना वायदा पूरा करेंगे, क्योंकि साल 2014 में भी उन्होंने युवा वर्ग के लोगों, किसानों से और जनता से कई तरह के वायदे किए थे, लेकिन आज तक उनमें से एक भी वायदा पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।